आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस y1 इज इक्वल टू 2√3 cos 3π/t plus sin 3π/t एंड y2 इज इक्वल टू 3 sin 6π/t plus π/6। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस में पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, हम लोग को पूछ रहे हैं ए और बी में कौन सा करेक्ट होगा, और सी में हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो है उसमें कौन सा करेक्ट होगा वो हम लोग को पूछ रहे हैं सी और डी में। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन का जो पहला हम लोग का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया, तो पहला इक्वेशन जो है वो है हम लोग का y1 इज इक्वल टू 2√3 cos 3π/t plus sin 3π/t। नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा √3/2 cos 3π/t plus 1/2 sin 3π/t। ठीक है, फिर y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 कैन बी रिटन एज 4। नाउ √3/2 जो है वो हम लोग का क्या है, sin π/3। ठीक है, तो sin π/3 दैट इज sin 60° इंटू cos 3π/t प्लस 1/2 जो है वो हम लोग का है cos π/3 इंटू sin 3π/t। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लिया, तो y1 इज इक्वल टू नाउ 4। नाउ ये फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म में है। नाउ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब साइन हम लोग का जो साइन ए प्लस बी है दैट इज इक्वल टू हम लोग का बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन यहाँ पे साइन ए साइन पाई बाई थ्री, मतलब पाई बाई थ्री हम लोग का ए है और 3π/t हम लोग का अगर बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये उसका ये वाला फॉर्म में ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इंटू साइन ए प्लस बी पाई बाई थ्री प्लस 3π/t या 3π/t प्लस पाई बाई थ्री, जैसे भी हम लोग लिखे, सो 3π/t प्लस पाई बाई थ्री हम लोग लिख सकते हैं। सो y1 जो है वो हम लोग को मिलता है अल्टीमेटली 4 साइन 3π/t प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, ऐसे हम लोग को मिल गया है, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। नाउ हम लोग का जो जनरल इक्वेशन होता है SHM का, वो होता है y इज इक्वल टू a साइन 2π/t। ठीक है, या फिर साइन 2π/t भी लिख सकते, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट साइन ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा जहाँ पे हम लोग का एंगुलर स्पीड है, तो साइन ओमेगा, अच्छा ये हम लोग का सॉरी, ये जो है ये हम लोग का ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, हाँ, नाउ नाउ ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो जनरल इक्वेशन है वो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे फाई हम लोग का क्या है, फाई हम लोग का जो मतलब हम लोग का जो फेज डिफरेंस या फिर फेज कांस्टेंट है, जो भी हम लोग कहना चाहते हैं वो है। ठीक है, नाउ नाउ वाई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा फॉर्म में है। नाउ वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई कैन बी रिटन एज, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करें वाई वन और वाई के बीच, तो यहाँ पे हम लोग का जो जो हम लोग का ए वन है, दैट इज एम्पलीट्यूड फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ HSM, ए वन हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए वन हम लोग को मिलेगा 4। ठीक है, और जो हम लोग का यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा हम लोग का एंगुलर स्पीड जो है वो हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू पहला केस के लिए 3π। ठीक है, नाउ जो मैक्सिमम वेलोसिटी का SHM में फॉर्मूला होता है वी मैक्स, दैट इज इक्वल टू हम लोग का होता है ओमेगा इंटू ए। नाउ यहाँ पे हम लोग का ओमेगा वन हम लोग इसको लिख लेते हैं, सो ओमेगा वन इंटू वी मैक्स वन जो है वो हम लोग का बनेगा ओमेगा वन इंटू ए वन, दैट इज 3π इंटू 4 दैट इज 12π। सो वी मैक्स वन इज इक्वल टू 12π मिलेगा हम लोग को। नाउ जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, सो y2 जो है वो हम लोग का क्या है, 3 साइन क्या है, 3 साइन 6π/t प्लस पाई बाई सिक्स, साइन 6π/t प्लस पाई बाई सिक्स।
ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का ए टू है, कंपेयर अगर करें इसको इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे ए जो है दैट इज इक्वल टू हम लोग को ए टू जो है वो हम लोग को 3 मिलेगा, और यहाँ पे ओमेगा 2 जो है वो हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा टी का कोएफिशिएंट दैट इज 6 पाई। तो यहाँ से हम लोग का जो वी मैक्स 2 है वो बनेगा हम लोग का ओमेगा 2 इंटू ए टू दैट इज 6 पाई इंटू 3 दैट इज 18 पाई। सो वी मैक्स 2 जो है वो हम लोग का बनेगा 18 पाई। ठीक है, नाउ इसको हम लोग वी टू ले लेते हैं और इसको हम लोग वी वन ले लेते हैं। नाउ पहला रेशियो हम लोग का ए वन इज टू ए टू का निकालना है, तो ए वन है हम लोग का 4 और ए टू है हम लोग का 3। सो ए वन बाय ए टू जो है वो हम लोग का बनेगा 4 बाय 3। ठीक है, तो ये हम लोग का एक मिल गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, हम लोग का यहाँ ए वन और ए वन इज टू ए टू का कोई भी इसमें से करेक्ट हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ये 1:2 दिया गया और ये 1 दिया गया, पर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 4:3। ठीक है, नाउ वी वन इज टू वी टू हम लोग को अगर यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है वी वन इज टू वी टू, तो वो हम लोग का क्या बनेगा देखते हैं। सो वी वन बाय वी टू जो है वो हम लोग का बनेगा कितना, 12 पाई बाय 18 पाई। सो 12 पाई डिवाइडेड बाय 18 पाई, सो पाई पाई कैंसिल, 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6। सो वी वन बाई वी टू जो है, सॉरी वी वन बाई वी टू वो हम लोग को मिलता है 2 बाई 3। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, रेशियो वी वन इज टू वी टू ऑफ टेयर मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 बाई 3। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।